बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। दी लाहौर गैरिजन स्कूल, रहमत कैंपस। दिस इज़ क्लास 7। द सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2, मुस्लिम इन्वेंटर्स एंड स्कॉलर्स। वर्कबुक पेज नंबर 8। टुडे द डेट इज़ 13 दिसंबर 2021। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। टॉपिक रीडिंग पेज नंबर 11। टॉपिक नेम इज़ द एंड ऑफ द गोल्डन एज। क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव क्लास वर्क। टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेज नंबर 8 ऑफ वर्क बुक। लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्रीवली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। क्लास आज हम पेज नंबर 11 की रीडिंग करेंगे। उसके ऊपर हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है द एंड ऑफ द गोल्डन एज। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह मुस्लिम साइंटिस्ट ने और मुस्लिम जो आपके पास स्कॉलर्स है उन्होंने न्यू इनोवेशंस की, न्यू डिस्कवरीज की, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका जो ये गोल्डन एज है, जो गोल्डन पीरियड है मुसलमानों की सल्तनत का, ये ख़त्म हो गया। और ये किस तरीके से ख़त्म हुआ, किस तरह एंड हुआ, हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसी से रिलेटेड आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसको वर्कबुक के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर 8 पे वर्कबुक की, और क्वेश्चन ये है आपके पास ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर के, जो मुस्लिम सल्तनत बढ़ी, जो वसी हुई, उसके क्या असरात थे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन रीडिंग, ओपन पेज नंबर 11। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रीडिंग। टॉपिक इज द एंड ऑफ द गोल्डन एज। इन 1258 में हल्लागो खान, अ मोंगोल लीडर, अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बगदाद। आपके पास एक मोंगोल लीडर था, इसने 1258 में बगदाद पर हमला किया और उसको तबाह कर दिया। एंड द लर्निंग ऑफ द हाउस ऑफ द विजडम वॉज लॉस्ट टू द मुस्लिम्स। और इस हमले में जो मुसलमानों का एक सेंटर था, इस्लामिक एजुकेशन का एक सेंटर था जिसको हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था, वो भी मुसलमानों ने खो दिया क्योंकि वो तबाह हो गया था उस हमले में। मुस्लिम ऑल्सो लॉस्ट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है टू मेक इन्वेस्टिगेशन। जब उन पर हमला हुआ, उस हमले में उन्होंने अपना हाउस ऑफ विजडम खो दिया, तो उनके अंदर जो एक जज्बा था वो ख़त्म हो गया और उनमें ये जज्बा नहीं था कि वो उस चीज़ की या उस हमले की इन्वेस्टिगेशन कर सकते। एज साइंस एंड मैथमेटिक्स कैम टू बी फ्रॉन्डेड। अब उन लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स और साइंस है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित हुई अपॉन बाय सब्सिक्यूट, और वो उस चीज़ों को बाद में लाने लगे। रिलीजियस लीडर्स देन दे फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स ओनली इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड रिलीजियस राइटिंग। अब चूंकि उनका जो एक हाउस ऑफ विजडम था, जो इस्लामिक लर्निंग का सेंटर था, वो तो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे आपके पास साइंस था, मैथमेटिक्स था, उसको किसकी नज़र रोशनी में पढ़ा करते थे, कुरान की रोशनी में, या जो भी रिलीजियस राइटिंग थी, जो भी कुरान कहता था, या जो भी मुसलमानों की इस्लामिक स्टडी थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो उन चीज़ों को पढ़ते थे। द गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम्स केम टू एन एंड विद द फॉल ऑफ द अब्बासिड्स। ठीक है, जो मुसलमानों की सल्तनत का जवाल शुरू हुआ, जो टाइम जिस टाइम पीरियड में उनकी सल्तनत ख़त्म हुई, वो कब हुई थी, जब आपके पास अब्बासिड्स हुकूमत जो थी वो ख़त्म हो गई। बट देयर डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस। डिस्कवरीज का मतलब होता है इजादात करना, नई चीज़ें ईजाद करना। इनोवेशंस का मतलब होता है न्यू आइडियाज़। लेकिन जो मुसलमानों की डिस्कवरीज थी, जो उनके न्यू आइडियाज़ थे, हेल्प टू ब्रिंग अबाउट एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन यूरोप। लेकिन उनके उन न्यू आइडियाज़ की वजह से, न्यू डिस्कवरीज की वजह से क्या हुआ कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हुई यूरोप के अंदर। फ्रॉम 1400 1400 to 1850 तक, ठीक है, 1400 में से लेकर 1850 तक, ये जो 3.5 साल का अरसा है, इसमें जो मुसलमानों की सल्तनत है वो बहुत ज़्यादा, वो मुसलमानों की सल्तनत की जो डिस्कवरीज थी वो यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। द मुस्लिम साइंटिस्ट हैड बेस्ड देयर प्रिंसिपल ऑफ स्टडी ऑन नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग एज ट्रू टिल एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड। मुसलमान के जो साइंटिस्ट होते थे, जो मुस्लिम साइंटिस्ट होते थे, वो कोई भी चीज़ उस वक्त तक प्रूव नहीं करते थे जब तक एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ प्रूव नहीं हो जाती थी। उनका ये एक असूल था, उनका एक प्रिंसिपल था काम करने का, कि जब कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटली ठीक साबित हो जाती थी, ट्रू साबित हो जाती थी, उसके बाद वो उस थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे। दे ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गोइंग फ्रॉम द नॉन टू द अननोन। उसके बाद उनका एक प्रिंसिपल था कि नॉन टू द अननोन, मतलब नॉन मतलब जाना और अननोन मतलब ना जाना। तो आप जब कोई काम कर रहे हो तो आप इस तरीके से करो कि जिसको आप नहीं जानते, जिस
जिस काम को, जिस थ्योरी को आप नहीं जानते उसको आप पहले जानो, फिर उसके ऊपर नॉलेज करो, उसको उसके बारे में नॉलेज हासिल करो और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करो. दिस इज ऑल अबाउट अवर टूडे रीडिंग क्लास. नाउ कम ऑन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द मुस्लिम, 750 टू 1258 CE. ठीक है, आपके पास बिफोर क्राइस्ट, आपके पास जो इस्लामिक सल्तनत का अरूज का जो टाइम था वो आपके पास 750 से लेकर 1258 तक था. इस टाइम पर जो इस्लामिक सल्तनत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी, और किसने इनकी मदद की थी? द हाइट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर, साइंस, फिलोसफी एंड टेक्नोलॉजी ने इस्लामिक एम्पायर को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद दी थी और बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ था. Now answer the following questions. Question number 1 is briefly describe the effects of the expansion of the Muslim Empire. Answer: Following are the effects of the expansion of the Muslim Empire. Point number 1 is the expansion of the empire under the Umayyads and Abbasids also led to the culture and civilization particular to Islam. आपके पास यहाँ पे दो कौमें हैं, एक Abbasids हैं, ठीक है, और दूसरी आपके पास Umayyads है. इन दोनों की वजह से आपके पास जो इस्लामिक कल्चर है, सिविलाइजेशन है, तहजीब है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी. सेकेंड पॉइंट है आपके पास बगदाद, द कैपिटल ऑफ द अब्बासिड्स एम्पायर बिकेम द सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग. जो आपके पास बगदाद था वो मुसलमानों की सल्तनत के लिए इस्लामिक सेंटर था, जहाँ पे हाउस ऑफ विजडम बनाया गया था, जहाँ से दूर दराज से सारे साइंटिस्ट स्कॉलर्स आके इस्लामिक स्टडीज़ हासिल करते थे. उसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर 3 है, मुस्लिम स्कॉलर्स वर एबल टू मेक फर्दर इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़ एंड इन्वेंशन. और उसके बाद मुसलमान स्कॉलर्स इस काबिल हुए कि वो नई इनोवेशंस बना सके, इस्लाम को फैलाने के लिए नए आइडियाज़ बना सके और इन्वेंशंस नए ईजाद कर सके. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर क्लास. हम एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं. क्वेश्चन है आपके पास ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर. आंसर इज फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर. पॉइंट नंबर 1 इज द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर अंडर द उमायदीज एंड अब्बासिड्स ऑल्सो लेड टू द कल्चर एंड सिविलाइजेशन पर्टिकुलर टू इस्लाम. पॉइंट नंबर 2 इज बगदाद, कैपिटल ऑफ द अब्बासिड्स एम्पायर बिकेम द सेंटर ऑफ द इस्लामिक लर्निंग. पॉइंट नंबर 3 इज मुस्लिम स्कॉलर्स वर एबल टू मेक फर्दर इनोवेशंस, न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशन. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर क्लास. आपने पेज नंबर 8 पे ये क्लास वर्क करना है एंड जो डायरी इज होमवर्क, लर्न प्लस राइट क्लास वर्क, वर्कबुक पेज नंबर 9. ठीक है, आपने इसको लर्न भी करना है और पेज नंबर 9 पे होमवर्क भी करना है. लर्न इट एंड आई विल टेक लर्निंग ऑन ट्यूजडे. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.